बार बार इसको सारे मामले में खींचा जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप सौम्या की तरफ से निश्चिंत हो जाइए। आपने देखा नहीं, कल सौम्या ने आपके सामने ही तो कहा था कि सौम्या हमें अपनी माँ जैसी समझती है और हमारे परिवार को अपना परिवार। आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना। मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार सौम्या सबके सामने ये सच बताने वाली है कि भाई आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड कौन है और उसने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की थी। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक सौम्या दुल्हन की जोड़ी में रोते बिलखते पहुंच जाती है मंगल और आदित्य के घर पर। और यहाँ पर हमारी सौम्या मैडम को इस हालत में देखकर सभी घर वाले बेहद चौंक जाते हैं और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हम सब मिलकर सौम्या का अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन वो तो अकेली है, माँ बाप भी नहीं है उसके। तो क्या हो गया, सौम्या हमारे घर पे हमारे साथ रहेगी। अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सौम्या जी चलिए, ये लोग आपको यहाँ रख रहे हैं, फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो। सौम्या यहाँ पर क्या कर रही है और ऐसी हालत में क्या कर रही है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से सौम्या तुरंत घर में आते ही आदित को गले लगा लेती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, वो मनन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और इसी बीच यहाँ पर सभी घर वालों को पता चलता है कि सौम्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जी हाँ, यहाँ पर सबकी नजर सौम्या के हाथों पर जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं भाई किस तरह से सौम्या बेहोश हो जाती है और सबको पता चलता है कि सौम्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इसी बीच कॉल कीजिएगा, और हाँ कॉल कीजिएगा, सुसाइड नहीं। जाओ सौम्या, अब जाकर कपड़े बदल लो, फिर हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। अम्मा, आप सौम्या जी को अपने घर क्यों ले चल रही हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम आज ही शालिनी जी और विनोद जी से बात कर लेंगे, जैसे ही सौम्या को ठीक लगेगा उनको भी तसल्ली हो जाएगी। बस सभी घर वाले तुरंत ही सौम्या को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर सौम्या की हालत काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। और इसी बीच यहाँ पर हमारी मंगल के दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे होंगे। उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर सौम्या ने ऐसा क्यों किया, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा। और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सौम्या घर में आकर सीधा आदित्य के गले क्यों पड़ गई। और ये सब सोचकर भाई हमारी मंगल का दिल जो है वो बैठा जा रहा है। तब तक कुछ दिनों के लिए ही वो हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी। कुछ दिनों के लिए नहीं आदित, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ, और खुशी की बात तो ये है। और इसी बीच यहाँ पर हमारी मंगल मैडम जो है वो आदित से भी सवाल जवाब करते हुए नजर आएगी, लेकिन फिलहाल आदित के पास तो कोई जवाब ही नहीं है मंगल के सवालों का। और इसी के साथ आपको बता दूं कि भाई आदित का दिल भी बैठा जा रहा है, वो बिल्कुल उदास है, बिल्कुल टूट सा गया है, क्योंकि भाई यहाँ पर सौम्या की हालत अभी क्रिटिकल कंडीशन में है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई फाइनली हमारी सौम्या मैडम की हालत में सुधार होते हुए दिखाई देगा। और इसी के साथ इस बार सौम्या पुलिस वालों के सामने अपने बॉयफ्रेंड का सारा सच बताने वाली है। जी एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई किस तरह से इस बार पुलिस वाले पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल में, पूछताछ करेंगे आदित से, सौम्या से, मंगल के घर वालों से। और यहाँ पर सभी लोग बेहद चौंके हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाई बार बार यहाँ पर ब्लेम जो है वो आदित पर आने लगता है, लेकिन भाई इस बार सौम्या दोबारा से आदित को बचाते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, इस बार सौम्या आदित और अपने रिश्ते का सच सभी घर वालों से छुपा लेगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि इस बार कुसुम खुद सौम्या को अपने हाथों से अपने घर लेकर जाएगी। और आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर सौम्या के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, क्योंकि इस बार उसने ठान लिया है कि एक बार अगर वो उस घर में गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर टिक जाएगी।